organic chemistry. Electron displacement. How electron is displaced? Electron movement, till electron movement we have completed in the offline class, right? Now electron displacement. Why do electron displace? तो बहुत सारी चीजें दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं, पता है? किसी की तरफ हमारा झुकाव होता है, इंटरेस्ट होता है, देन ओनली वी डू एनी वर्क. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था क्लोरीन और क्लोरीन, ये पोलर कंपाउंड है कि नॉन पोलर कंपाउंड है? स्मृति दास, विच कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर? जानते हो पोलर और नॉन पोलर? पहले ये बताओ. नहीं जानते? आप लोगों में से कोई जानता है पोलर या नॉन पोलर कैसे होते हैं? पोलर और नॉन पोलर, यह समय आप लिख देगी दो मार्क्स पक्का दूंगा. कहने का मतलब इन्होंने जो कहा वो आप लोगों के समझ से थोड़ा परे होगा, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी में बता दूंगा तो आप लोगों को दिमाग में. अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, हम कोई भी काम क्यों करें? Why we do any work? Because we are having some interest, and interest, because of interest we move that side. उसी तरीके से अगर कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स किसी तरफ जा रहा है, मतलब उस तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जाने के पीछे रीजन होगा, या तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का डेंस ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण उस साइड जाएगा. यहाँ पर मीथेन नाम का एक कंपाउंड है, यहाँ पे चारों साइड हाइड्रोजन. तुम लोगों ने फोर्थ चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा होगा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, न्यूटन थर्ड लॉ. जितना जोर से मैं तुम्हें मारूंगा उतना ही जोर से तुम्हारा गाल मेरे हाथ को मारेगा, लेकिन बदला पूरा नहीं. मतलब यहां पर इक्वल और अपोजिट चार्ज के कारण ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यहां पे भी इक्वल एंड अपोजिट के कारण. तो अगर चारों साइड से बैलेंस हो रहा है तो वो नॉन पोलर कंपाउंड. अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, अगर CH3 में पूछो CH3+ जो मिथाइल एक्टिव ग्रुप है, अगर मैं वो पूछूं वो पोलर है या नॉन पोलर है, देन यू हैव टू से दैट इज अ पोलर. क्यों? क्योंकि दो साइड तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहे, लेकिन तीसरे साइड जो है इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं. तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट कैन एनीबडी टेल मी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानते हो? उसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होने का मेन रीजन यही था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स आएंगे, सबसे पहले मुझे ये बताइए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड? सिग्मा. शिव कह रहा है पाई. सिग्मा बॉन्ड है पक्का 100%. याद रखना कार्बन या कोई भी नॉन मेटल, याद रखना अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड है. यहाँ पे सिर्फ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ये सब के सब सिग्मा, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही निकाला था हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर. अगर डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो एक पाई होगा और दूसरा सिग्मा होगा, वैसे ऊपर में सिग्मा रहता है नीचे में. और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो दो सिग्मा और एक पाई, राइट? समझ में आया? इससे पहले जो हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने यहाँ पे बताया था तुम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है. कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर उसके पास एक पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड किस तरह से उस एलिमेंट के ऊपर में जाएगा, अगर एलिमेंट के ऊपर में जाएगा तो उसके ऊपर में दो डॉट डालेंगे,
एक बॉन्ड टूटता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरा मेन बताने का कारण है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड के साथ, वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड। अब अगर मैं आपको पूछूं कि यहां पर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा? डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉनिक। अगर मान लो यहां पर टोटल अभी 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स का अगर मैं 2-4 IUPAC नेम में टेस्ट करूं और किसी एक स्टूडेंट का वो चारों का चारों IUPAC नेम करेक्ट हो जाए, तो सबका झुकाव उस स्टूडेंट की तरफ होगा, मतलब इसको IUPAC नाम लिखा चला। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और ऊपर से ये हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो ये पूरे जितने भी आपके हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन है, और ये कार्बन का सारा इलेक्ट्रॉन का झुकाव इस तरफ झुका, क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का झुकाव होता है उसके पीछे आपको दो कंसेप्ट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का डेंस का मतलब होता है घनत्व, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फॉर्म, जैसे सीसो पे कभी बैठे हो तुम लोग बचपन में, जो एक गेम आता था, दोनों एक स्टूडेंट इधर बैठता था, दूसरा स्टूडेंट इधर बैठता था, तो एक ऊपर एक नीचे। अगर मान लो वहाँ पर सिर जैसा स्टूडेंट बैठ जाए तो क्या होगा, 2-4 बच्चे को भी उस साइड डालोगे फिर भी इधर ही झुकाव ज़्यादा होगा, तो ये समझ लो वही सीन है। यहाँ पे 3 बच्चे हैं लेकिन फिर भी झुकाव क्लोरीन की तरह है ना, समझ में आया इलेक्ट्रॉन का डेंस के पीछे। अब ये जो पोलराइजेबिलिटी के कारण, ये और अब मैंने पूछा था पोलर और नॉन पोलर, पोलर का मतलब हो गया किसी एक एलिमेंट की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन का डेंस है, इलेक्ट्रॉन का झुकाव है, कोई भी कंपाउंड, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बोनिक कंपाउंड, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी ले लो, अगर ब्रोमीन और क्लोरीन डालो, ब्रोमीन और क्लोरीन भी अगर बनाएंगे अपना कंपाउंड, तो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का झुकाव, तो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया, मतलब वो एक पोलर। कोई भी कंपाउंड में अगर एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एक के पास ज्यादा डेंस इलेक्ट्रॉन है जिसके तरफ पूरे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जा रहा है, मतलब वो क्या है, पोलर। और जिसमें चारों साइड से इक्वल एंड अपोजिट, मैंने बताया ना इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन फोर्स, यहाँ पे चारों हाइड्रोजन का भी है डेंस, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी इफेक्ट करे, ये कार्बन की तरफ, ये भी कार्बन की तरफ, सिंस इक्वल एंड अपोजिट है इसीलिए बैलेंस हो जाता है और ये नॉन पोलर। अब यहाँ पर Cl2 के बारे में मैंने पूछा था, ये भी उतना ही हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है जितना ये है, इक्वल है, अपोजिट चार्ज है, नॉन पोलर कंपाउंड। समझ में आ गया, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पर पोलैरिटी या पोलराइजेशन होने का मेन रीजन यही था कि अगर एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो उस तरफ पोलराइज होगा। कल किसी ने पोलर का डिफाइन बनाया था, आपने बताया था, क्या बताया था आपने पोलर का डिफाइन? कल देख के बोल रहा था ना, इन्होंने कहा था पोलर का, मुझे याद है, क्या होता है कभी कभी कुछ सुन लेने से भी याद हो जाए, और किसी आदमी को रट्टा मारने के बावजूद भी याद नहीं। इन्होंने कहा सर दो तरह के, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिस तरफ ज्यादा होगा मतलब वो नॉर्थ पोल, और उधर जो है पोलैरिटी ज्यादा। सीधा चला गया साउथ पोल और नॉर्थ पोल, मेरा कहने का मतलब वही, वो वही कहना चाह रहा था साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जिधर पोलैरिटी ज्यादा है। अब आ जाओ यहाँ पर, उसका भी गलत नहीं था, वो फिजिक्स की तरफ था, मैं केमिस्ट्री की तरफ था, कोई भी बेचारा सही था।
लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ पर पोलैरिटी जानते हैं, पोलैरिटी के कारण क्या इफेक्ट है? अगर मेरा जैसा तोंद किसी का निकल जाए तो क्या इफेक्ट? बड़ा फैट बढ़ेगा, जींस का साइज बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर पोलैरिटी होगा तो एक इफेक्ट उत्पन्न होगा जिस इफेक्ट का नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। पूछेगा व्हाट इज दिस इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट जो है पोलराइजेशन के कारण उत्पन्न होगा। कोई भी पोलर कंपाउंड होगा और वो पोलर कंपाउंड में अगर एडजेसेंट कार्बन एटम्स है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स है, याद रखना, अगर मान लो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड बना दो, तो यहाँ पर जो पोलराइजेबिलिटी थी इस कारण से यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ेगा उस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट। इफ एनीबडी आस्क्स यू व्हाई इंडक्टिव इफेक्ट इज इंड्यूस्ड, क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट का, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, पोलैरिटी के कारण इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होता है। याद रखें अगर पोलैरिटी नहीं होगा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं। दूसरी बात, कार्बन जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बाजू वाले, बराबर। तो ये बाजू वाले के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? मैंने कल एक एग्जांपल दिया था तुम लोगों को ट्रेन का बोगी, अगर इंजन ब्रेक मारता है, अगर ट्रेन में 27 बोगीज है, आजकल तो उससे भी ज्यादा आने लगे, 30-30, 40-40 बोगी, तो क्या लास्ट वाला डिब्बा रुकेगा या नहीं रुकेगा? अगर ट्रेन ब्रेक, इंजन ब्रेक मारेगा तो उसको इफेक्ट पड़ेगा लास्ट बोगी को, जितना इंजन को इफेक्ट पड़ेगा उतना ही उसको भी इफेक्ट पड़ेगा या उससे कम पड़ेगा? जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इफेक्ट भी कम पड़ेगा। याद करो तुम लोग, मैंने बताया था न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा ऑर्बिट उतना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा, बताया था ना थर्ड चैप्टर या क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था। उसी तरीके से यहाँ पर अगर कार्बन एडजेसेंट एटम है, 4-5 कार्बन, और मान लो यहाँ पर ये पेंटाइल क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड है, और कोई पूछेगा क्या सर यहाँ पर कुछ काम करेगा इस क्लोरीन का हाइलो इलेक्ट्रोलाइट? सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कोई भी कंपाउंड जो ब्रेक होता है वो कैटायन और एनायन में ब्रेक, राइट? तो यहाँ पर अगर कंपाउंड को आप डिसोशिएट कीजिएगा तो डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, और इस डेल्टा प्लस का जो इफेक्ट पड़ेगा वो यहाँ पे थोड़ा डबल डेल्टा, मतलब बहुत ही कम मात्रा, जितना यहाँ पे पड़ेगा उसके कंपेयर में यहाँ पे बहुत कम, और यहाँ पे जितना पड़ेगा उसके कंपेयर में यहाँ पे बहुत कम, फिर यहाँ पे 4 डेल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 5, मतलब नेग्लेक्सिबल फोर्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका कार्बन इंटरवीनिंग बॉन्ड्स होते जाएंगे, इंटरवीनिंग का मतलब हो गया इंटरकनेक्टेड, कार्बन से कार्बन अगर कनेक्टेड होते जाएंगे तो यहाँ पर जो इफेक्ट है वो कम पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे लास्ट बेंच पे कोई एक बच्चा बैठा और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो मोबाइल देख रहे, तो मेरा उससे इफेक्ट कम पड़ेगा। क्यों कम पड़ेगा? डिस्टेंस ज़्यादा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा, न्यूक्लियस के नज़दीक में जो रहता है, जैसे मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, कहा जाता है नहीं, कौन सा हॉटेस्ट प्लैनेट? मरकरी है ना, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? मरकरी। क्यों मरकरी है पता? न्यूक्लियर इफेक्ट, सन के नजदीक में ज्यादा, इसीलिए। अब यहाँ पर आप लोगों को इसी तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझे, जो जितना ज्यादा नजदीक होगा, जो जितना ज्यादा नजदीक होगा उसके ऊपर में इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा, और जैसे जैसे इंटरवीनिंग बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट घटते जाएंगे। ये था इंडक्टिव। इसमें आपको दो तरह के प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एंड माइनस इफेक्ट। माइनस में जिसके ऊपर में निगेटिव चार्ज आ जाएगा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर में पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं सर क्या कोवेलेंट बॉन्ड डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस में टूटेगा? आयनिक बॉन्ड ना ब्रेक करता है कैटायन और एनायन में, कोवेलेंट बॉन्ड टूट सकता है कैटायन और एनायन में? यह समय अटल में हाँ कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंड्यूस होता है, बिकॉज
परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग देयर वाज वन टॉपिक कॉल्ड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। कोई भी कंपाउंड 100% ना तो आयनिक होता है और ना ही 100% कोवेलेंट। जिस तरीके से हम मनुष्य भी, उनको पता है हर एक गर्ल्स के अंदर में भी बॉयज का कैरेक्टर होता है, उसी तरह हर एक बॉयज के अंदर में भी गर्ल्स का कैरेक्टर होता है। अब इसका मतलब ये, क्योंकि तुम लोगों को पता है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो ना, कितने जीन्स एक बच्चे के अंदर में होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं 22 क्रोमोसोम्स, और एक उसका सेल्फ होता है ना 23rd वन जो होता है वो सेल्फ होता है, और उस 22 में 11 पेरेंट मदर का होता है 11 फादर का होता है ना। तो उसके अंदर कैरेक्टर गया या नहीं, दोनों जींस का गया, मेल का भी और फीमेल का भी गया ना। कोई भी बच्चा होगा चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उसके अंदर में दोनों कैरेक्टर। उसी तरीके से 100% ये कंपाउंड भी पॉजिटिव और निगेटिव नहीं हो, समझ में आया, कुछ ना कुछ कैरेक्टर होगा ही। इसीलिए हम लोग पढ़ते थे परसेंटेज आयनिक। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, अब तुम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता सकते हो या नहीं बता सकते? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज पोलराइजेशन, क्यों पोलराइज होता है कोई भी कंपाउंड, इतना समझ में आया? यस और नो? तुम लोगों का एक एक्सरसाइज में कल क्वेश्चन मैंने बताया, तुम लोगों ने सॉल्व किया था वो क्वेश्चन या नहीं किया था? क्या है क्वेश्चन रिया, तुमने भी कल पढ़ा, तुम ही आज भी पढ़ो। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको कंपाउंड्स दे दिया और पूछ रहा है इसमें से सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है, कौन कौन से कंपाउंड है बेटा? मीथेन और मिथाइल क्लोराइड, यही है ना, मीथेन और मिथाइल क्लोराइड। इसमें कोई आपको पूछेगा ज्यादा पोलैरिटी कौन सा है, ये तो देख के बता दोगे, सिर्फ देख के बता सकते हो नहीं? ब्रोमाइड है। चलो इसका और एक मिथाइल ब्रोमाइड का, अगर मैं यहाँ पर तीनों कंपेयर करूँ और पूछूं तुम लोगों से कि सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है, तीन मैंने दिया, वहां पर क्वेश्चन में दो ही है लेकिन मैं तुम लोगों को तीन दे रहा हूँ, और पूछूं तुमको कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है? यस एनी बडे, क्या नाम तुम्हारा? हार्डी। ऋतु पर ना, कौन सा होगा फर्स्ट वन, सेकेंड वन या थर्ड वन? रीजन के साथ सेकेंड वन, तुमने कहा आंसर सेकेंड वन, राइट आंसर है रीजन। तो लोन पेयर इसके पास भी तीन है बेटा, तीन लोन पेयर इसके पास भी, तीन लोन पेयर इसके पास, मुझे तो ज्यादा नहीं दिख रहा। लोन पेयर तो सेम ही होता है ना, हैलोजन में जितने भी कंपाउंड है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसीटेट सबके सब तीन लोन पेयर वाले। अब कोई दूसरा आंसर है तुम्हारे? निष्ठा, कौन सा आंसर राइट हो गया? सेकंड वाला ही होगा, यू विल गो विथ ऋतु पर्णा। यस, एक बच्चे ने तुम्हारा साथ, आंसर बताओ सीधा सीधी दिमाग लगाना है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। बस एक ही जवाब था कि सर वैसे तो ये नॉन पोलर है, ये दोनों पोलर है, इसके कंपेयर में ये ज्यादा पोलर है बिकॉज ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, यही आंसर होना चाहिए ना, यस और नो? एक और तुम्हारा क्वेश्चन था मिथेनॉल और दूसरा था थायोल, SH, यही था राइट कंपाउंड, ये भी था या नहीं था? है ही है। अच्छा इसमें बताओ कौन से ज्यादा पोलर, हेतवी सोनी विल टेल द राइट आंसर, फर्स्ट और सेकेंड, 50-50 है, दो ही ऑप्शन, फर्स्ट रीजन। आदित्य जी रीजन, जस्ट तुमको आंसर मैंने बताया था फर्स्ट में, सीधा सीधी कहना था देखो सब कुछ सेम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे सल्फर है, सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसीलिए सर ये इससे ज्यादा पोलर होगा।
दोनों पोलर कंपाउंड है लेकिन इससे ज्यादा ये होगा बिकॉज वो उसके कंपेयर में हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। याद रखना हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऐसे होते फोर 3.6, 3.36, 3.33। इस तरीके से हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका वैल्यू याद रखना ताकि तुम लोग बता सको कि कौन से ज्यादा पोलर है। सेकंड कौन सा क्वेश्चन था, इंडक्टिव इफेक्ट वाला था। Which is the next question? Yes, Amir, you are reading the question. Please read the next question. In which CH3 bond of CH3, CH2, CH2 bromide and inductive effect is expected? Propyl bromide है? Propyl bromide में क्या पूछ रहा है कि inductive effect किस पे सबसे कम होगा? ये पूछ रहा है question? Inductive effect सबसे कम किस पे होगा? धार्मिक चीज। इंडक्टिव इफेक्ट, या इंडक्टिव इफेक्ट तो मैंने बताया था ना तुमको, बताया था नहीं बताया था, मैंने बताया था कोई भी कार्बन का जो एडजेसेंट एटम होता है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव के कारण जो इंड्यूस उत्पन्न होता है जिसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। और ये भी बताया था मैंने किसके तरफ ज्यादा होगा और किसके तरफ कम, बता सकते हैं यहाँ पे सबसे कम किसके तरफ होगा? कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, किसके तरफ इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम? वन के तरफ पक्का। अभी ट्रेन में बैठे हो? नहीं बैठे आज तक कभी भी लाइफ बैठे? कभी कभी कब? 8 साल पहले 2020 में तो कहीं गया नहीं हूँ लॉकडाउन की वजह से। अब 21 तो चालू ही हुआ है, 2019 में गया था, भूल गया होगा ना ट्रेन। अगर तुम्हारा इंजन के नजदीक में तुम्हारा बोगी होगा सबसे ज्यादा भोंकू तुमको सुनाई देगा या नहीं देगा? भोंकू जानते हो साउंड, जो हॉर्न जो इंजन मारता है, तो सबसे ज्यादा किसको सुनाई देता है? जो सटा हुआ भोगी रहता है इंजन, उसी को सुनाई देता है। उसी तरह यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, मैंने अभी जस्ट बताया था इसको ग्रुप करके, ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा 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 पॉजिटिव, बताया था ना अभी। कहाँ था तुम्हारा दिमाग? गन्ने की खेती में नहीं समझ में आता, छोड़। समझ में आया? सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे अप्लाई होगा? ये तुम्हारा थर्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस। नाम सुने हो रेजोनेंस? इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, रेजोनेंस शेयर की बात। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, या फिर 10th स्टैंडर्ड में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर, पढ़ा था Lewis dot structure। क्या कोई भी कंपाउंड का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकता है? यस और नो? यस। क्या तुम्हारा एक से ज्यादा फॉर्म हो सकता है? यस और नो? कौन सा फॉर्म होगा? तुम अपने 4-5 फॉर्म्स के बारे में, स्टूडेंट एक फॉर्म है तुम्हारा, सन दूसरा फॉर्म, फ्रेंड तीसरा फॉर्म, उसके बाद बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे तुम्हारे। हमें आज की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात। तो इसी तरीके से कोई भी कार्बन का, देखो यहां पर अगर मान लीजिए मैं यहां पर क्लोरीन और यहां पर हाइड्रोजन, इसको चार तरीके से इस मिथाइल क्लोराइड को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका मैं यहां पे क्लोरीन कर दूंगा। तीसरा तरीका मैं यहां पे क्लोरीन कर दूंगा। और चौथा तरीका है मेरा यहाँ पे ऊपर में क्लोरीन। तो यहाँ पे देखो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर भी एक ही है, लेकिन इसके अलग अलग पोजीशंस। यहाँ पर फर्स्ट वाले में लेफ्ट साइड में था, दूसरे वाले में राइट साइड में, तीसरे में जो है साउथ, और चौथे में नॉर्थ साइड। तो अब यहाँ पर तुम देखो एक ही कंपाउंड का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, खासकर अगर साइक्लो कंपाउंड हो जाए। साइक्लो कंपाउंड्स में जैसे मान लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, सी 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 सी, छह कार्बन है। अब ये छह कार्बन में अगर मैं पूछूं कि
क्या डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोहेक्सेन की, हेक्सेन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हेक्सेन की बात कर रहा हूँ, क्या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन जाएगा तो तुमको पता चलेगा। फर्स्ट कार्बन को अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो तुमको पता चलेगा, सिक्स कार्बन को अगर मैं यहाँ पे फोर्थ पोजिशन पर कर दूँ तो पता चलेगा। साइक्लो है, इंटरकनेक्टेड है, कार्बन है, कोई भी कार्बन ही होगा तो बता दीजिए। लेकिन अगर पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड, सीधा सीधी याद रखना, पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, अगर कोई डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बराबर, और ये सब हाइड्रोजन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो, ये बी वाले दो हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे टोटल चार कार्बन के बॉन्ड। अब तुम मुझे एक बात, क्या ये पाई बॉन्ड अपना दूसरा स्ट्रक्चर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? तुमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में पढ़ा था, मैंने तुम लोगों को तीन स्ट्रक्चर बताया थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, याद है तुम लोगों को, यस और नो? एक पहला स्ट्रक्चर ऐसे बताया था, ये पाई बॉन्ड था और ये सिग्मा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड को अगर हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसा हो जाएगा, बताया था। दूसरा मैंने कहा था तुम लोगों को कि अगर पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर यहां पर है और अगर ये इस एलिमेंट के तरफ शिफ्ट करेगा तो यहां पर जो है तुम्हारा इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा, बताया था। ये दो जो इंडिकेट कर रहा है वो इस पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, दो, मैंने बताया था ना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तीसरा मैंने बताया था कि ये अगर ये डॉट डॉट वाला अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो ऐसा, बताया था या नहीं बताया था? ये तीनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो लेक्चर नंबर 4 में मैंने तुम लोगों को शायद बताया, अगर याद होगा तो पाई बॉन्ड ही ट्रांसफर होता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड पोलैरिटी इंड्यूस करता है, ट्रांसफर नहीं, सिग्मा बहुत मजबूत, इसलिए कहा जाता है एक अकेला बहुत मजबूत। तो यहां पर तुम लोगों को याद रखना पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर, और पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से डिफरेंट डिफरेंट एक ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, जैसे ये बेंजीन है तो बेंजीन का अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, जैसे यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो इधर डॉट आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जैसे सिंगल बॉन्ड हुआ यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन, ये पाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई यहाँ पे शिफ्ट। ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कोई भी मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लिविस डॉट स्ट्रक्चर हो सकता है, और ये एक से ज्यादा लिविस डॉट स्ट्रक्चर जो होते हैं उसी स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ में आया व्हाट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यस और नो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आया किसको कहते हैं? हम लोगों ने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था रेजोनेंस के बारे में और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उस समय में शायद मैंने बेंजीन का किया था या कोई दूसरा कंपाउंड था, उस कंपाउंड का मैंने तुम लोगों को तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो रेजोनेंस किसको कहते हैं, कोई बताएगा व्हाट इज रेजोनेंस? क्या एलिमेंट चल वैसे ही, what is resonance, what is your name beside of it, this one Hetty Patel, Henny Patel, bataiye kisko kehte hain resonance? nahi pata, abhi main kya kar raha hu, abhi bataya tha na, abhi just bataya tha na maine resonance kisko kehte hain, resonating structure kisko kehte hain, abhi just bataya, nahi bataya, nahi samajh mein aata tum logo, bilkul samajh nahi aata, puchho na sir aap kya pada rahe, nahi samajh mein, ek baar aur ek कोई पूछता भी नहीं, इसे क्या पता चलेगा टीचर को कि आप लोग समझ, निष्ठा तुमको समझ में आया है, तुमको समझ में आया धार्मिक, तो तेरे को तो नहीं भी आया होगा, तेरे से ऐसे बात कर दे तुमने, ये रेजोनेंस समझ में आया, बता सकते हो? कोई भी बोलते इससे ज्यादा लेविस का स्ट्रक्चर बनता है उसको रेजोनेंस,
कोई भी मॉलिक्यूल्स का अगर पाई बॉन्ड उसमें है तो एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे और उस फेनोमेनन को रेजोनेंस कहेंगे। यही बोला है ना, इसमें क्या उसने गलत कह दिया, अभी तो तुरंत मैंने बताया था और तुम लोगों का दिमाग है तो निष्ठा तुम्हारा दिमाग काम है धोत्री वाले से यही कहते हैं, फिर भी नहीं समझ में अभी भी नहीं आया। अब क्या क्यों बनते जा रहे बिकॉज ऑफ बोलो बोलो हार्डी बिकॉज ऑफ पाई स्मृति दास करिए तुम ही क्या है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन देना चाहता हूं कि बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना है, बेंजीन बहन जी नहीं बेंजीन C6H6 बेंजीन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं ये आप लोगों को नोटबुक में बताना है। बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी से नहीं बना, राइट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन किसी से नहीं, किससे बन गया हमें यहां से बन गया, ट्राई कर दो, ट्राई ट्राई बट डोंट। सबसे पहले अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया लिटिल बिट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड, यहां पे मैंने बताया था अगर ये यहां पे ट्रांसफर होता है तो ऐसे होता है और अगर ये पाई बॉन्ड वाई के ऊपर में ट्रांसफर होगा ऐसे होगा और अगर ये पाई बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर होगा ऐसा। मैंने अभी जस्ट बताया था, बताया था या नहीं बताया? तो यहां पे सबसे पहले एक बात बता देता हूं, डी लोकेलाइज स्ट्रक्चर जाते हैं, डी लोकेलाइज का मतलब हुआ टेढ़ा मेढ़ा हिंदी में, जो प्रॉपर पोजीशन है उस पोजीशन के नहीं होने का मेन रीजन होता है बॉन्ड लेंथ छोटा और तो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है ये 154 पिकोमीटर और ये जो डबल बॉन्ड है ये 134 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा बेंजीन में वो 154 और जो डबल बॉन्ड होगा जो पाई बॉन्ड होगा वो 134। अब यहां पर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो पाई बॉन्ड है वो तो ट्रांसफर करते रहेगा, तब तो हर एक कार्बन जो सिंगल बॉन्ड वाला था वो डबल बॉन्ड और जो डबल बॉन्ड वाला था वो सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर वही स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहला स्टेप देखो बेंजीन का जो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो याद रखना यहां पर एक तुम्हारा प्लस दूसरा माइनस, प्लस रेजोनेटिंग इफेक्ट एंड माइनस रेजोनेटिंग, प्लस रेजोनेटिंग इफेक्ट जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और माइनस रेजोनेटिंग इफेक्ट जिस पर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर थ्री लोन पेयर्स वाले आप देखो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये मान लो अगर इसको हम इसको सिग्मा बॉन्ड मान लेते हैं इसको पाई बॉन्ड मान लेते हैं, ये जो बाहर वाला जो है वो पाई बॉन्ड है, ठीक है? तो ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे ट्रांसफर तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मान लो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया एक तो पहला स्टेप जो होगा तुम्हारा कैसा होगा इस तरीके से होगा, पहला स्टेप तुम्हारा ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर तुम्हारा प्लस चार्ज हो गया और ये जो डबल बॉन्ड थे वो इस तरह, ये फर्स्ट स्टेप। अब ये डबल बॉन्ड जाकर के तुम्हारा यहाँ पे ट्रांसफर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो सेकेंड स्टेप में तुम्हारा यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, तो अब ये जो यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछो क्यों, क्योंकि याद रखना बच्चों कार्बन में स्पेशली दो पाई बॉन्ड नहीं होंगे दोनों साइड से, जब भी ट्रिपल बॉन्ड में भी दो सिग्मा होता है और एक पाई होता है दोनों साइड, तुम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को नहीं बता सकते एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर जो है तुम्हारा क्योंकि यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये कार्बन एटम जो है यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा,
ये जो डबल बॉन्ड था, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड थे वो किस तरह से आ गए, अब तुम्हारा ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ध्यान से देखना तुम, ये डबल बॉन्ड आ गया तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है, और ये बॉन्ड ट्रांसफर होके आ गया यहाँ पर, ये बॉन्ड ट्रांसफर होके आ गया यहाँ पर, वापस जो है स्टेबल स्टेट में पहुंच गया। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस और नो? फर्स्ट वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन था, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये सारे पाई बॉन्ड को रचा रहा है। फर्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, ये फर्स्ट वाला पोजीशन कार्बन को अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे स्टेप में ये वापस स्टेबल स्टेट में, तीसरा स्टेप देखो आप वापस, यही वो पाई बॉन्ड है जो यहाँ पे आया है, राइट, वापस ये पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन को है। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, अगर इस कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर जो है कार्बन को लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो मिल जाएगा। वापस यहाँ पे देखो, अब ये जो यहाँ पर इसको पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर मिला है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, वापस ये क्या हो गया, अनस्टेबल स्टेट हो गया। अब देखो पहले वाले पोजीशन में ये था पॉजिटिव, सेकंड वाले पोजीशन में ये हो गया, मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब इसके बाद जो वापस पोजीशन होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो वापस जो स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारा फिर से स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो ये जो है तुम्हारा स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ मैं ये पाई बॉन्ड को हटा रहा हूँ, याद रखना ये पाई बॉन्ड, ये नंबर वन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, नंबर वन वाला यहाँ पे, नंबर वन वाला यहाँ पे, नंबर वन वाला यहाँ पे, ये यहाँ तक। अब इसको वापस शिफ्ट करेंगे हम यहाँ, बात समझ में आ रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसको तुम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे जो है लोन पेयर आ जाएंगे, जैसे ही लोन पेयर आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, ये बॉन्ड यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को कमी हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा, और फाइनली जा करके वापस तुम जो है इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वापस स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया तुम्हारा, और ये वापस जब यहाँ पे आएगा तो तुम्हारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से वापस जो है ये जो इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, अब यहाँ से इस पाई बॉन्ड को तुम यहाँ पे शिफ्ट, तो यहाँ पे जैसे शिफ्ट करोगे तुम्हारा अनस्टेबल वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसके ऊपर में लोन पेयर आ जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और लास्ट में जो स्ट्रक्चर तुम्हारा होगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये तुम्हारा वापस स्टेबल स्ट्रक्चर। ये बेंजीन का रेजोनेटिंग, इसमें हुआ क्या, बस खाली एक ही वर्ड याद रखना है कि पाई बॉन्ड वाला जो पहला पाई बॉन्ड को उसने क्या किया, उसने रोटेट किया, अब उसके कारण से ये दोनों पाई बॉन्ड पर भी इफेक्ट पड़ा। समझ में आया? क्योंकि एक कार्बन के पास दो पाई बॉन्ड अटैच, वो भी सिंगल कार्बन एटम के साथ, sp2 sp2, मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है तो सिर्फ कार्बन के साथ यहाँ पर अटैच तो नहीं कर सकते, ऐसा कोई कंपाउंड कार्बन किसी ने लिखे हो, तो मान लो यहाँ पे 2 1 3 4 2 2 4 ऐसा कोई कंपाउंड कर, प्रोपा 1 2 डाइईन कभी नहीं होगा, होगा ही दो पाई बॉन्ड नहीं, खासकर एरोमेटिक कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन sp2 बता सकते हो तुम तीनों का एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे याद रखना बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तुम्हें यहाँ पर दिमाग देने की जरूरत है कि पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट जो है तुमको, ये जैसे मैंने बताया था एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन को जहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे बता, और जिस कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उस कार्बन के पास चार बॉन्ड नहीं होंगे, तीन ही बॉन्ड होंगे, तीन बॉन्ड होंगे मतलब वो कार्बन एक्टिव ग्रुप होगा, एक्टिव ग्रुप मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? यस और नो? अगर कोई भी कंपाउंड होगा अगर उसके ऊपर में, याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है प्लस रेजोनेटिंग, अगर माइनस चार्ज है नेगेटिव रेजोनेटिंग, दो तरह के रेजोनेटिंग इफेक्ट मिले, कौन कौन से,
पॉजिटिव एंड निगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट कैसे होंगे, पाई वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अगर उस एलिमेंट के ऊपर चला जाएगा तो निगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट, और अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन पाई वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला है वहाँ पर वो पॉजिटिव इफेक्ट बनेगा। कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे साइनाइड का नाम सुने हो तुम लोग, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा या निगेटिव, पहले ये साइनाइड के ऊपर में CN नाम सुने हो, साइनाइड नाइट्रो ग्रुप, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज, जैसे निगेटिव हाउ मच वन और टू वन, CN माइनस होता है, जैसे OH माइनस होता है, अब बता सकते हो क्यों माइनस होता है, कार्बन का लोगों को मैंने बॉन्ड फिजन कोवेलेंट बॉन्ड फिजन हेट्रोलाइटिक कोवेलेंट कंपाउंड में बताया था कि अब देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन चार बॉन्ड, नाइट्रोजन का तीन बॉन्ड था, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तीनों जो है नाइट्रोजन के बॉन्ड थे, याद है ना तुमको, अब नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, कार्बन के कंपेयर में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव जो ज्यादा होगा उसके ऊपर में चला जाता है, तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड जो था चौथा बॉन्ड कार्बन का वो पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन ले लेता है और नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को बस इतना समझना है कि CN माइनस क्यों, इट इज अगर इसका तुम रेजोनेटिंग इफेक्ट बोलोगे तो पॉजिटिव या निगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट में कौन सा रेजोनेटिंग इफेक्ट होगा, ये निगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट। क्यों रेजोनेटिंग इफेक्ट निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर में है, जिससे आपको पता चलेगा ये निगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट में आया, रेजोनेंस समझ में आया, रेजोनेटिंग इफेक्ट समझ में आया, पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट एंड निगेटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप का नाम सुनो, CO कार्बोनिल ग्रुप CO, CO कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव या न्यूट्रल, CO कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ना, तो बताइए CO जो है आपका पॉजिटिव या निगेटिव, बस मुझे इतना न्यूट्रल, आर यू श्योर इस हमें पॉजिटिव, तो बेटा तीन ही तो ऑप्शन, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव नहीं तो न्यूट्रल, कितना परसेंट इसको दे रहे हो, पॉजिटिव को कितना परसेंट दे रहे हो, स्मृति दास बताएंगे राइट आंसर, बोलो ममता बनर्जी जल्दी से पॉजिटिव, क्यों Can anyone? It is a neutral compound. It's a neutral. Amaya was right, but she was confused. Neutral ही बोला. बोली थी लेकिन confused थी ना. Running class में lunch. नहीं lunch नहीं, बहुत है दिमाग रोकते. हाँ हाँ हाँ. अच्छा कोई बात नहीं. सुनो यहाँ पे. Positive और negative. Positive वाला जितना भी group होगा, मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, जिस कार्बन एटम पर जो सब्सट्रेट वाला कार्बन एटम होगा, जिस कार्बन एटम पर रिएजेंट अटैक करेगा वो कार्बन तुम्हारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहां से कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लेगा, तो जिस कार्बन से हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव लेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, सब्सट्रेट, और जो रिएक्टेंट जो उसके ऊपर में अटैक करता है उसको कहते हैं रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट मैंने बताया था तुम लोगों को बॉन्ड फ्यूजन में, कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन भूल गए हो, तुम लोगों ने वीडियो भी नहीं देखा होगा, देखा था किसी ने या नहीं देखा, जो लोग नहीं आए थे जो लोग लाइव थे उन लोगों को तो याद होगा, हार्डी तुमको याद है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, आई यू रिमेंबर द वर्ड होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक, यू आर प्रेजेंट ऑन दैट डे ना, यू आर एब्सेंट एंड यू हैवंट सीन द वीडियो आल्सो, very excellent, mihir tum present tha us din homolytic bond cleavage and heterolytic bond cleavage,
क्या है होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज का एक एग्जांपल है। सेम एलिमेंट बेटा क्लोरीन क्लोरीन Cl2 बताया था ना होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन एटम। वीडियो देखता है कि नहीं देखता पता चलता है कि नहीं चलता है नोटबुक में लिखता है सारे लेक्चर जो नहीं अटेंड कर पा रहा उसको देख लेना चाहिए। हर एक कार्बन का मैकेनिज्म याद रखना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर पहला वाला सोचोगे कि वो पढ़ लिया दूसरा वाला पढ़ रहे हैं पहले वाले को भूल जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब ही होता है इंटायर केमिस्ट्री। इंटायर का मतलब अभी तक जितना पढ़े हो सब आ रहा है। परसों एग्जाम है ना पता चलेगा कितना। मंडे को एग्जाम है नहीं है मंडे को एग्जाम। तुम दूसरे स्कूल से हो कौन से स्कूल से हो उसमें केमिस्ट्री का एग्जाम हो गया नेक्स्ट वीक। सिलेबस वही है दूसरा प्रॉब्लम नंबर 12.6 है। उसके बाद आप लोगों का कौन सा 12.5 तक बन गया है या बाकी है। अभी जो हम लोग बना रहे थे वो कौन सा था 12.15 कंप्लीट हो गया 12.16 होगा। क्या है क्वेश्चन में राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3COO- एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कर्व्ड एरो CH3COO- यही है ना। इसको कॉमन नेम क्या बुलाते हैं बता सकता है कोई कॉमन नेम क्या है विनेगर कोई मतलब देखिए विनेगर मंचूरियन खाते हैं चाइनीज मंचूरियन। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन में बंद है चालू हो गया है मिल रहा है अभी उसमें विनेगर विनेगर में कौन सा एसिड होता है एसिटिक एसिड राइट। बड़े हो ना तुम लोग CH3COOH और ये जब ब्रेक करता है तो CH3COO- और H+ में टूटता है। इस आयन को कौन सा आयन कहते हैं एसीटेट आयन। समझ में आया। अब स्ट्रक्चर बनाओ पहले CH3COO- कैसे बनाओगे और कौन सा माइनस होगा क्यों माइनस होगा वो सारा डिटेल CH3 1 2 3 COO- यही स्ट्रक्चर होगा एसीटेट आयन का स्ट्रक्चर यही होगा। यस और नो होगा। अब मुझे बताओ यहां पर कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन कहा ऑक्सीजन वाला तो यहां पर ऑक्सीजन के पास तुमको पता है दो लोन पेयर है और यहां पर तीन लोन पेयर है ना। अब मुझे बताओ कि कौन सा कार्बन के ऊपर में ये सबस्ट्रेट करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां पे अटैक करेगा अटैक तो करेगा ना पाई बॉन्ड है तो अटैक करेगा तो एक सबस्ट्रेट होगा और दूसरा रिएजेंट होगा। तुम लोग मुझे बताओ कि कौन से कार्बन पर अटैक करेगा और इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते। देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट में दिया नहीं दिया सॉल्यूशन ही है। अभी जस्ट मैंने सिखाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखाया या नहीं सिखाया। अब तुम लोग बिना देख के बताओ तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते बिना सॉल्यूशन में देखिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बस नंबर बताओ कितने हो सकते। सबसे पहले तुम लोगों को दिमाग लगाना है जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था याद करो। तुम लोगों को मैंने क्या बताया था ये वाई वाला कुछ बताया था तुम लोगों को या नहीं बताया था बताया था क्या बताया था यही बताया था ये वाई वाला बताया था यहां पर वही डॉट मारा तुम्हारा। यस हार्डी टेल मी विच इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर। यहां पर देख लो तुम्हारे पास ये बंदे के पास 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 पूरा कंप्लीट है ना कंप्लीट। इस ऑक्सीजन के पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इस ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर
थ्री टू जा सिक्स इलेक्ट्रॉन, सेवन एंड वन एट इलेक्ट्रॉन, और ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो तो भैया ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और कार्बन पर मैंने तुमको बताया है कि डबल बॉन्ड दो नहीं होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन को तबाही मिल जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर करेगा। तो अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पर ये CH3 और ये C वाला जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, मान लो ये तुम्हारा ये दूसरा ऑक्सीजन था, ये अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन था इसके पास वापस तीन लोन पेड़ और ये निगेटिव चार्ज किए गए। समझ में आया कैसे ट्रांसफर हुआ? समझ में आया प्रोसेस? ये वाला जो प्रोसेस था तुम्हारा यहाँ पर निगेटिव चार्ज वाला तीसरा वाला वो यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है वो तुम लोग, यहाँ पर एसीटेट आयन था। अगर मैं तुम लोगों को एसीटेट का मतलब सीधा सीधा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथानोइक एसिड है, अगर मैं तुम लोगों को एल्डिहाइड वाला को, एल्डिहाइड जानते हो, फॉर्मल एल्डिहाइड का नाम सुने हो HCHO, उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल एल्डिहाइड कहते हैं, मतलब मिथेनल जिसका नाम है, इसका नाम क्या है? मिथेनल है ना, ये कीटोन ग्रुप है नहीं, दोनों कीटोन ग्रुप है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर एक्टिव एक तुम्हारा कोई भी अल्काइल ग्रुप राइट। तो यहाँ पर मैंने मिथेनल बनाया CH3, और मिथेनल में से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ HCOO- इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड से तुम्हारा जो मिथेनल है उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन के ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज डाला, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन जाना, ये जो था ये प्लस और ये माइनस, मतलब ये बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पे ट्रांसफर, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपेयर में, तो ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड यहाँ पर मिला। तो अब क्या इसका फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यस और नो? हाँ जी सबके सब बेहोश नहीं होगा भाई साहब, दूसरा ऑक्सीजन या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा तब तो होगा ना, यहाँ पर दो ऑक्सीजन था इसलिए ना हो गया, दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए कम से कम तुमको दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, या तो कार्बन ऑक्सीजन लो, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा तो वापस यहाँ पर जो है हाईली पॉजिटिव, वहाँ पे ये ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा कार्बन निगेटिव, अगर कार्बन के पास चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए तुम लोगों को दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझना है, पॉजिटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड निगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर के तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन सब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू टाइप्स का, यस आर डी, तेरा स्ट्रक्चर देख के लग रहा है तू नहीं बनाए, तेरा फेशियल स्ट्रक्चर पता चल गया, जैसे मैंने कहा दो बार इसका फेशियल स्ट्रक्चर एकदम निगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, बनाना है बेटा, तब जाकर के प्रैक्टिस करोगे तब सीखो, जो कुछ भी पढ़ते हो ना तो उसको प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस की चीज़ है, जैसे मैथ्स का प्रैक्टिस करते हो, एक सवाल नहीं बनाते दूसरा फिर से बनाते हो तीसरा बनाते हो, उसी तरह ये भी एक तरह का मैथमेटिक्स ही है। कितने एग्जांपल्स में क्वेश्चन है रिया? 18, तीन ही है, 12 पर 16, 17 और 18, ये तीनों को आप लोगों को दो दो बार बनाना है, और अंदर में एक्सेप्ट इंडेक्स क्वेश्चन उसमें भी दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन है दिया हुआ उसका भी आप लोग कोशिश करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का। नेक्स्ट वीडियो में जो मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट किस तरह से काम करता है। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया? खत्म होते समय तो तुम लोग को बहुत समझ में आ जाता है।